और उसके बाद वो जंगल एक बार फिर से सुमन की चीखों से गूंज उठा। लेकिन आज की रात सुमन की चीखों को सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अगर वहां पर कोई मौजूद था तो बस हरिया, जो कि अब एक भेड़िये में बदल चुका था। सुमन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर ले जा रहा था। अगली सुबह गांव में, अरे भाई पता नहीं क्या बात है, अपने गांव का हरिया किसान और उसकी पत्नी सुमन दोनों गायब हैं, दोनों का कोई अता पता नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये कब हुआ है? अरे पूरे गांव में खबर फैली पड़ी है। कल रात को दोनों खेत की तरफ जा रहे थे लेकिन लौटकर आए ही नहीं, तो हो सकता है अपने खेत पर होंगे। पूरा गांव ढूंढ कर आया है भाई, जानते हो क्या मिला वहां पर? क्या हुआ भाई, क्या मिला बताओ हमें, क्या मिला? अरे हरिया की पत्नी सुमन के कपड़े पड़े हुए थे, शरीर का एक एक कपड़ा फटा हुआ झोपड़ी के बाहर पड़ा था, लेकिन दोनों पति पत्नी का कोई पता ठिकाना नहीं था। अरे भाई लेकिन उसका जो दोस्त है ना रामू किसान, उससे पता करके आते हैं ना, अब तक तो दोनों साथ ही खेत पर जाया करते थे। हाँ हाँ हाँ, हमें हमें उसके घर जाना चाहिए भाई, चलो चलो वहाँ चलते हैं, चलो। वो सारे लोग रामू के घर पर पहुँचते हैं। रामू अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। आज सारे के सारे लोग टोली बनाकर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई मर गया क्या भाई? अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हरिया और उसकी पत्नी गायब है और तुम यहाँ बैठकर हुक्का पिए जा रहे हो है? रामू ने अजीब सी नजरों से उन सब गांव वालों की तरफ देखा, जिसकी वजह से वो लोग एक बार के लिए डर गए। गायब है? अरे गायब नहीं है, मुक्ति मिल गई है, उन दोनों को मुक्ति मिली है। इस दुनिया में आकर हर इंसान पाप करता है और उसे उसके पापों के लिए मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई है? और इसका चेहरा अजीब सा क्यों लग रहा है? लगता है दोस्त के मरने का गम बैठ गया है, पागल हो गया है शायद ये पागल। ये बात सुनते ही रामू चीख कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम सब हो, और ये शैतानी जंगल अब तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको खा जाएगा, याद रखना मेरी बात। ए शैतानी जंगल, कैसा शैतानी जंगल, लगता है रामू पागल हो चुका है, हमें हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई, चलो चलो चलो। तभी रामू की पत्नी बाहर आती है। नहीं नहीं आप लोग इनकी बात का बुरा मत मानिए, दो दिन पहले हरिया के साथ खेत पर गए थे, जब से वहाँ से आए हैं तब से ऐसी ही बातें कर रहे हैं, भगवान जाने ऐसा क्या देख लिया उन्होंने, खेत में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने कमला की कोई बात नहीं सुनी और वो सब वहाँ से चले गए। रात अब धीरे धीरे ढलने लगी थी, तभी अचानक किसी ने धीमी सी आवाज में रामू को पुकारा। रामू आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और सुनो अपनी पत्नी को साथ लेकर आना, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। ये आवाज सुनते ही रामू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, वो धीमे कदमों से अपने घर के अंदर आता है। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना अब आपकी? मैं तुझे अपने साथ खेत पर ले जाने आया हूँ, चल। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुन्ना गहरी नींद में सो रहा है और उसे अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ खेत पर नहीं आ सकती, वैसे भी तुम्हारे उन खेतों में भगवान जाने कौन सा राक्षस घूम रहा है, मुझे तो डर लगता है। रामू गुस्से में दांत पीसता अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाता है और कमला गहरी नींद में अपने बच्चे के साथ सो जाती है। तभी अचानक रात को रामू की झोपड़ी के ऊपर एक साया वही गाना गुनगुनाते हुए घूमने लगता है जो हरिया के मोबाइल में बजा करता था। मैं मातम, मातम, मात जा I'm not sure.
ये आवाज सुनकर रामू की पत्नी कमला की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका मुन्ना अपनी जगह से गायब था। कमला चीखते हुए बाहर दौड़ कर आती है। वहां पर उसने देखा कि रामू ने अपने बच्चे को झोपड़ी के बाहर एक पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ था और उसका बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक साया बच्चे के ठीक नीचे आग जलाकर उसके चारों तरफ हैवानों की तरफ नाच रहा था। छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही बच्चे को इस तरह मौत के हवाले करते हुए? अपना बच्चा? किसने कहा ये मेरा बच्चा है? अरे ये तो उस रामू की औलाद है, इस गांव के किसान रामू की, और मेरी दुश्मनी इस गांव के हर इंसान के साथ है। क्या, कैसी बात कर रहे हो तुम? और ये औरत कौन है? ये मेरे बच्चे को खा जाएगी। तभी अचानक से उस साया ने एक बेहद खतरनाक दिखने वाली औरत का रूप ले लिया और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सही पहचाना तूने, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। अगर तू अपनी सहवान को किराकों के साथ जंगल नहीं आए तो मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। लेकिन क्यों, आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे जंगल क्यों ले जाना चाहती हो? औरत बुरी तरह से ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसने लगी और साथ में रामू भी। ये तो तुझे वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर तू नहीं आई तो थोड़ी देर में तेरा ये बच्चा आग में जलकर मर जाएगा। चल जल्दी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जा कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उस बच्चे को झोपड़ी में लिटाकर आगे आगे वो साया चल रहा था और उसके पीछे पीछे रामू अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जंगल में जाने के बाद, कितनी खूबसूरत हो तुम, आज की रात बस तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल ठीक थे। वो होगा जो हमारे बीच होना चाहिए। तो आओ आओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कमला ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थी। रामू ने बुरी तरह से चीख कर कमला से कहा, आंखें खोलो अपनी और मेरी तरफ देखो। कमला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा कि रामू एक खतरनाक खूनी हैवान में बदल चुका था। कौन हो तुम? जाने दो मुझे, क्या चाहते हो मुझसे? वही जो एक आदमी एक औरत से चाहता है। मैं तुम्हारा पति रामू नहीं बल्कि इस जंगल का एक भेड़िया हूँ, और आज की रात तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझा जाऊं। और उसके बाद वो जंगल कमला की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह कमला के कपड़े भी जंगल में उसी तरह पाए गए जैसे कि सुमन के पाए गए थे। इस घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल था। अपने माँ बाप की मौत और गांव में हो रहे इस तरह की घटनाओं की खबर सुनकर किशन शहर से गांव लौट आया था। अपने माँ बाप की बेदर्द मौत की वजह से वो बहुत परेशान था। तभी अचानक उसे अपने घर में खाट के नीचे पड़ा हुआ वो मोबाइल फोन मिला जो उसने अपने पापा हरिया को गिफ्ट किया था। अरे कितने प्यार से पापा के लिए मोबाइल फोन लेकर आया था, इसे एक दिन भी काम में नहीं ले पाए। और आखिर कौन है जो गांव में इस तरह की हत्याएं कर रहा है? क्या है इन सब के पीछे? क्या है? मुझे पता करना ही होगा, वरना एक दिन पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। इस गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। गांव के लोगों की मदद करने के इरादे से किशन अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव में बहुत बड़े तांत्रिक के पास मिलने के लिए गया। तांत्रिक बाबा, अब आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं। भगवान जाने हमारे गाँव को किसकी नजर लग गई है। नजर नहीं लगी है, किसी ने तुम्हारे गांव को बददुआ दी है। किसी सताई हुई आत्मा का प्रकोप है और अब वो पूरे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। अरे लेकिन ऐसा कौन है बाबा? किसकी आत्मा है और कैसे मिलेगी उसे शांति? मौत है, मौत कहीं से भी आएगी और सबको निगल जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उस उपाय को करना आसान नहीं होगा। जो भी उस उपाय को करने की कोशिश करेगा उसकी जान जा सकती है। भले ही मेरी जान चली जाए,
लेकिन मैं अपने गांव के लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। तो ठीक है, फिर अगली अमावस की रात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अमावस की रात तांत्रिक के बताए अनुसार किशन अपने साथ केरोसिन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में देवी के मंदिर का सिंदूर भी था। किशन जंगल के बीचों बीच पहुंचा। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक उबलते पानी का तालाब था और कई लोगों की लाश लटक रही थी। किशन के माँ बाप की लाश भी वहीं थी। माँ बापू, क्या हो गया, ये क्या हो गया? तभी वहां पर एक औरत और आदमी आते हैं। उन्हें देखकर किशन चौंक जाता है। गोपाल काका, आपकी तो 5 साल पहले मौत हो गई थी, और निर्मला काकी आप? मौत तो हो गई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कैसे हुई थी। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस ये जान लो कि अब इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन क्यों काकी? क्योंकि 5 साल पहले इन गांव वालों ने मुझे डायन बताकर पत्थर मार मार के मार डाला। मेरी कोई गलती नहीं थी। गांव का एक बच्चा क्या लापता हुआ, सारा इल्जाम मेरी पत्नी पे डाल दिया, और जब मैंने निर्मला की जान बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मार डाला। आपके साथ ये बहुत गलत हुआ काका, काकी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है ना? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। हमारी आत्मा पिछले 5 साल से मुक्ति के लिए भटक रही है, चले जाओ यहाँ से। मौका देखकर किशन सिंदूर उन दोनों के ऊपर डाल देता है। उनका शरीर जलने लगता है और वो भयानक तरीके से चिल्लाने लगते हैं। अगले ही पल किशन उनके ऊपर केरोसिन डाल देता है और वो दोनों जल जाते हैं। किशन अपने माँ बाप और दूसरी लाशों का अंतिम संस्कार करवाता है और अपने घर लौट आता है। लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान है कि मोबाइल अभी भी बज रहा था। मैं मातम हूँ।